दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्र मार्ग उत्तम यशाचा MPSC UPSC सरळ सेवा पोलीस भरती सैन्य भरती इत्यादींसाठी आजच प्रवेश निश्चित करा। संपर्क प्राध्यापक वासुदेव पाटील 7262098417। दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राची स्थापना केली जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या संधीचाही फायदा उपलब्ध व्हावा आणि अत्यावश्यक फी न भरू शकत असतील तर मग कमीत कमी फीमध्ये जास्तीत जास्त क्वालिटी देण्याचा आमचा दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राचा मानस आहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ, दिन अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक सच्चे अच्छे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ और हमारी हर खबर आपको फौरन मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। आप ऑनलाइन या बैंक के थ्रू जिस तरह भी हो सकता है हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प माली मदद ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा ताकत मजबूती के साथ हम सच्ची अच्छी खबरें आपको तक पहुँचा सकें, दिखा सकें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें, हमारी ताकत और मजबूत हो सकें। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने है इंटरनेशनल न्यूज़ में कि जो चीन कोरोना वायरस से जूझ रहा है और हज़ारों अफराद वहां पर मर चुके हैं और 65,000 के करीब लोग अभी इस मर्ज़ से मुतासिर है। इस मर्ज़ से निमटने के लिए चीनी हुकूमत काफ़ी परेशान है, लेकिन इस वक्त बड़ी अच्छी खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए चीन की तरफ मदद का हाथ बढ़ा दिया। चीनी सफ़ीर का इस वक्त बयान आया है कि चीनी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब की मदद ने कोरोना वायरस से निमटने में हमारी बड़ी मुआवनत की, बड़ी मदद की। सऊदी अरब में मुतायन चीन के सफ़ीर चैन वी ने कहा है कि सऊदी अरब की तरफ से फराहम करदा इमदाद ने चीनी तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से निमटने में भरपूर मदद फराहम की है। इनका कहना है कि सऊदी अरब की इमदाद कोरोना वायरस से निपटने में चीनी आवाम की मानवी तौर पर मदद की है। अल अरबिया .net के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने इन ख्यालात का इजहार शाह सलमान रिलीफ सेंटर के साथ 6 मुआहदों दस्तखत के मौके पर किया। इस मौके पर मुतादद आलमी तंजीमों की तरफ से भी चीन को कोरोना वायरस से निमटने के लिए तिब्बी आलात और दीगर ज़रूरियात की फराहमी का मुआहदा किया है। ख्याल रहे कि आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस का नाम तब्दील करके COVID-19 रखा है ताकि इस वायरस को मखसूस जुग्राफियाई तफरीक से निकाल कर एक आलमी वबा करार दिया जा सके। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब में मुतायन चीन के सफ़ीर ने कहा कि ममलकत की तरफ से बीजिंग की इमदाद यानी चीन की इमदाद दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की गहरी अक्कासी करती है। उनका कहना था कि सऊदी अरब की तरफ से चीन को दी जाने वाली मदद से COVID-19 नामी इस वबा से निमटने में मदद मिलेगी। चीन सऊदी अरब की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद को कदर की, मोहब्बत की, इज्जत की निगाह से देखता है। नाज़रीन, ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के चीफ सरबराह ने अमेरिका को वार्निंग और ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ज़रा सी भी गलती की तो अमेरिका और इसराइल दोनों को हम निशाना बनाएंगे। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह गुफ्तगु जुमेरात को ईरान के सरकारी TV पर लाइव नशर किए गए अपने लाइव खिताब में किया। वो जनरल कासिम सुलेमानी के 40वीं की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इसराइल और अमेरिका को मुखातब करते हुए कहा कि अगर इसराइल और अमेरिका ने अब ज़रा सी भी गलती की तो हम फिर दोनों को निशाना बनाएंगे। जनरल हुसैन सलामी के खिताब से पहले पासदारान इनकलाब के तर्जुमान रमज़ान शरीफ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत यरूशलम की आज़ादी की तरफ जाएगी। रमज़ान शरीफ ने कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो अमेरिका की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी का बुजदिलाना कत्ल यरूशलम की आज़ादी की तरफ जाएगा। याद रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी पासदारान इनकलाब की अल कुदस फोर्स के कमांडर थे जिनको अमेरिका ने मारा है।
नाज़रीन, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर ये आई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने यह कहा है कि फ़ौज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोई तनाव नहीं है, फ़ौज इसलिए हमारे साथ है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। इमरान खान के बकौल हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा अपोजिशन की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब कोई करप्शन करता है तो फ़ौज और खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई को सब पता चल जाता है। माजी की हुकूमत तक के करप्शन के बायस फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीडिया जब मुल्क की मफादात के खिलाफ बात करता है तो मसले होते हैं। चीन गया तो दो बड़े अखबारों ने गलत खबर लगाई जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने जमीयत उलमाए इस्लाम यानी फजलुर्रहमान सरबरा मौलाना फजलुर्रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के मुतालबे की तायद की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर्रहमान ने किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने की कोशिश करके मुल्क से गद्दारी की है, लिहाजा उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सेनेट इंतखाबात में पैसों का इस्तेमाल रोकने के लिए शो ऑफ हैंड का कानून हम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म बोले कि मैं हुकूमत अदलिया समेत किसी भी इदारे के उमूर में मुदाखलत नहीं कर रहा हूं, करप्ट लोगों से उसूली हमारी अदालतों और एहतसाबी इदारों का काम है। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर फ़लस्तीन को लेकर ये आई है कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने यह वाज़े किया कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इज़राइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से कोई मुलाकात तय नहीं है और सऊदी ममलिकत की इज़राइल के बारे में पॉलिसी पुख्ता है। इज़राइली मीडिया में इन दिनों ऐसी रिपोर्टें शाये और नशर हो रही है जिनमें यह कहा जा रहा है कि इज़राइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता अमन मंसूबे के ऐलान के बाद से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। नेतन्याहू की 3 फरवरी को सूडान की अबूरी काउंसिल के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फरता अल बुरहान से मुलाकात के बाद से ऐसी कयास आराइयों में खासतौर पर शिद्दत आई है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अल अरबिया अंग्रेजी से एक खसूसी इंटरव्यू में इस तमाम मामले पर ममलिकत के मौकफ की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं हुई है। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान से दो बड़ी खबरें मेरी निगाहों के सामने आई है कि अफ़गानिस्तान में तोदों के गिरने से वस्ती अफ़गानिस्तान में तकरीबन 21 लोगों के मरने की खबर है। अफ़गान हुकाम ने बताया है कि वस्ती सूबे दामकंडी में बर्फ़ानी तोदों के गिरने से कम अज़ कम 21 अफराद मारे गए हैं। अफ़गान वजारत बराए कुदरती आफात के तर्जुमान के मुताबिक बर्फ़ तले दबे 7 अफराद की तलाश जारी है जबकि बचाए गए 10 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। हालांकि होने वाले अफराद का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ खानदानों से बताया गया है। तोदे गिरने से 50 मकानात भी तबाह हुए हैं। वहीं पर अफगानिस्तान की दूसरी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि अफगानिस्तान के एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 5 तलबा शहीद और 6 जख्मी हुए हैं जबकि एक दूसरे वाक़े में बर्फ़ानी तोदा गिरने से 20 से ज़ायद अफराद लुकमे अजल बन गए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के शिमाली सूबे कंदोस के ज़िला दस्त आर्ची में वाक़ एक मदरसे में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आस पास की इमारतें भी लरस गई। धमाके में 5 तलबा जख्मी हुए हैं, 6 शहीद हुए हैं, 6 जख्मी हुए। वजारत दाखिला का कहना है कि बारूदी मवाद धमाके के बाद रेस्क्यू इदारे के अहलकारों ने हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जबकि सिक्योरिटी इदारों ने जाय वकूह का मुआयना किया और उसे क्लियर करार देकर इंतजामिया के हवाले कर दिया। ताहाल किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।